व्यूअर्स, आज हम आपको जो है वो आलू बुखारे की चटनी बनानी सिखाएंगे। सूखा आलू बुखारा मैंने लिया है 1 पाव के करीब, और इसको जो है इसके अलावा मैंने चीनी ली है 1 कप, ठीक है। सिरका ली है 1/2 कप। आप चीनी की जगह वो मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं, मिश्री बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर मिश्री यूज़ करती हूँ। इसके अलावा हमें सब्ज इलायचियाँ चाहिए होंगी 3 से 4 अदर, ठीक है। फिर 4 मगज़ हमें चाहिए, और इसके अलावा मुझे जो है वो सुरख मिर्च और नमक चाहिए, काली मिर्च चाहिए, और हमें जो है वो बादाम भी जो है वो चाहिए होंगे। बादाम हम भिगो के पहले रख लेंगे और जो है वो उसमें हम शामिल करेंगे। अब आपको रेसिपी तैयार शुरू करती हूँ। ये जो है वो मैंने इसमें डाल दिया आलू बुखारा, 2 कप पानी में जो है वो मैंने डाल दिया, साथ मैंने जो है वो सब्ज इलायचियाँ इसके साथ डालनी है ताकि वो आपको नज़र आ जाए, और उसके साथ जो है वो इसे हमने पकने के लिए रख दिए। ये 7 से 8 मिनट तकरीबन ये जो है वो पकेगा, साथ हम इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर देंगे। जब ये सब गल जाएगा फिर उसके बाद हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। इसमें हमने सिरका ऐड किया, और ये नमक और जो है सुरख मिर्च है वो थोड़ी सी हम ऐड करेंगे ताकि इसका जो है वो टेस्ट, काली मिर्चें भी करते हैं लोग, और मुख्तलिफ जो है वो पिंच ऑफ जो है वो मैं इसका कलर जो फूड कलर होता है वो भी इसमें से ऐड करूँगी। पिंच, बिल्कुल पिंच का मतलब है बिल्कुल थोड़ा सा, उसे सिर्फ रेडिश करने के लिए इतना ही काफ़ी होगा, ठीक है। इसके अंदर जैसे ये जो है वो इसके जो लैदा हो रहे हैं, ये मैंने आलू बुखारा पहले धोया हुआ अच्छी तरह से, और फिर हम इसको यूज़ करें, ऐसे नहीं आपने यूज़ करना। इसके बाद मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, ठीक है। चीनी 1 कप मैंने जैसे आपको पहले बताई थी चीनी इसके अंदर डाल दूँ, और मैं इसको पका रही हूँ। ये मैंने नमक, काली मिर्चे आपके सामने जो है वो पिसी भी, सुरख मिर्च भी इसमें डाल दी थी टेस्ट के लिए, ठीक है। अभी देखिए गाढ़ा हो गया, हमने 8 से 10 मिनट तक इसको पकाया है, उसे गाढ़ा हो गया, और गाढ़े होने के बाद जो है वो मैं अब इसमें जो है वो 4 मगज़ तकरीबन 1 से 2 चम्मच इसमें ऐड करूँगी। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बादाम जो मैंने भिगोए हुए थे मैंने छिलका उतार लिए, जो है वो डाल लूँगी। आप चाहे तो पूरे बादाम भी डाल लें, चाहे तो इसको जो है वो छोटे छोटे पीसीस में कर लें, क्योंकि जब मुँह में ये आएंगे तो बहुत अच्छा जो है वो इसका इफ़ेक्ट हो। और ये हमारी तकरीबन तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो भी देखें, ज़रा गाढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसके मुताबिक आपको जो है वो दिखाते हैं कि ये हमारी जो है वो आलू बुखारे की चटनी जो है वो तैयार है, ठीक है। ये ठंडा होने दें, ठंडा होने के बाद इसको सर्व करें, ठीक है। बहुत डिलीशियस होगी और बहुत हेल्दी भी है, और जो है वो खट्टी मीठी इसका जायका, इसे जो बिल्कुल शादी के खानों की तरह जो है इसको इसको यूज़ करें। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हम आपको और वीडियोस बना कर देंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।